वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। ज़्यादा हो गया ना, कोई बात नहीं, होता है, इतना इतना तो चलता है यार। मैं आपको बता दूँ, आज मैं घर पे थी तो मैंने सोचा कि क्या करूँ। मैं खा रही थी बर्फी, यू नो बर्फी, बर्फी मीन्स बर्फी, तो वो खा रही थी। मेरे दिमाग में आया, खाई नहीं जा रही थी सच्चे बताऊँ तो, खाई थोड़ी सी खाई, फिर मन नहीं किया खाने का। फिर मैंने सोचा लोग इतनी ज़्यादा वो लगाते हैं, आइसक्रीम लगाते हैं, कभी कुछ लगा ले कभी कुछ लगा ले, आज मैंने सोचा क्यों ना मैं ट्राई करूँ अपने तरीके से, कुछ भी करूँगी मैं, ठीक है, देखते हैं उसका क्या कचुंबर निकलता है बनके। क्योंकि मेरे पास चॉकलेट भी है, मेरे पास बर्फी भी थी, मेरे पास मिल्क भी है, मेरे पास चीनी भी है, एंड ड्राई फ्रूट नहीं है। ओ यार, मेरे पास का ड्राई फ्रूट्स नहीं है, सिर्फ बादाम है, बादाम, तो बादाम डाल देंगे हम। बादाम को बोलते हैं आलमंड, है ना, यही बोलते हैं। ग्रेजुएशन का रूढ़िया भी नहीं बना कभी, फिर देखा कितनी जो टक। मैंने बोल रही थी ग्रेजुएशन नहीं किया, अगर मुझे यही नहीं पता होगा तो धुल ना आता तेनों तेरे ऊपर। चलो मैं बाकी सामान ले आऊँ। गाइस मैंने बना दी है, पर आई डोंट नो कैसी होगी, बतौरी नहीं हूँ सच्ची में। अभी देखते हैं कि कैसी होगी, जब बनेगी तो हम खाएंगे। अभी मैंने फ्रिजर में डाल दिया कई 3-4 घंटे के लिए, देखते हैं जैसे वो आइस बन जाएगी तब हम खा लेंगे उसको, ठीक है ना। और पहली बार मतलब खाना बनाती हूँ, काम करती हूँ सारे, ऐसी कोई बात नहीं, काम नहीं करती, करती हूँ। पर आज पता क्या हुआ, मैं बना रही थी तो यहाँ से जल गया, यू सी डैट, आप देख सकते हैं यहाँ से जल गया, यहाँ से दिख रहा होगा थोड़ा सा। और मुझे बड़ी देर की बदबू आ रही थी, मैं सोचूं कुछ तो जला है, मैं ढूंढूं, वहाँ घर पे नहीं जला है, कहीं और से ही स्मेल आ रही है। पर मुझे क्या पता था, मेरी शर्ट हो गई। और मेरा कहने का मतलब था, पहली बार सोचा कुछ अलग बनाऊं, कुछ अलग बनाने के चक्कर में अपनी शर्ट जला दी है, मेरी फेवरेट है, तो कोई बात नहीं, अब जल गई तो जल गई, अब देखते हैं उसका स्वाद कैसा निकलता है। अगर गंदा निकला तो फिर मैं गंदी, अगर अच्छा निकलेगा तो बहुत अच्छी बात है। चलो अभी हम जब वो बन जाएगी फिर मम्मा को भी पूछूंगी कैसी, और खुद भी खाऊंगी, और अपने आप को भी पूछूंगी कैसी है। बिना चीटिंग करे आपको सब सच सच बताऊंगी, तो चलो मिलते हैं आपसे बाद में, बाय बाय गाइस। अब इंतज़ार नहीं हो रहा यार, पता नहीं कब लगेगी, अभी नहीं लगी है, अभी नहीं लगी है, हिल रही है। हाय गाइस, गर्मी के दिन आ गए हैं, मेरी अभी आइसक्रीम लगी नहीं है, तो मैंने सोचा छत पे जाती हूं और वीडियो शीडियो बनाते हैं। और गर्मियों के दिन आ गए, यहाँ पे धरती माता भी निकलना स्टार्ट हुई, वो तो दिख रही है, थोड़ी थोड़ी दिख रहा होगा ना गाइस। करूँ मैं चेक बर्फी लगी या नहीं, बर्फी मीन्स आइसक्रीम गाइस, लगी तो है पर अभी थोड़ी थोड़ी सी है, अभी थोड़ी थोड़ी सी हुई है। तो गाइस मैंने दोपहर का ना खाना नहीं खाया था, और अभी कुछ ऐसे मन कर गया खाने का, मन किया कि कुछ बनाऊँ और कुछ खाऊँ, तो इसीलिए अभी हम बनाएंगे मैगी, जो मैं सबसे अच्छी बनाती हूँ। उस पर मेरे को गर्व है अपने ऊपर कि मैं मैगी अच्छी बनाती हूँ, तो चलो आपको मैं मैगी बनाते टाइम भी दिखाऊँ, तो चलिए मेरे साथ, आज सिर्फ खाते रहेंगे। तो गाइस मैं आपको बता दूँ, मैं मैगी तो बनाने लगी थी पर फिर मेरा मन नहीं किया बनाने का, क्योंकि मैं कैमरा रख रही थी, कैमरा ही नहीं हो रहा था वहाँ पे सेट, तो मैं सोच रही थी कैसे बनाते होंगे लोग। तो अभी मैं ग्रेप्स खा लेती हूँ, मैगी भी बनाएंगे, अब देखते हैं कब बनाते हैं। तो चलो मैं ग्रेप्स से अपना पेट भरती हूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं, बाय बाय। सो फाइनली गाइस आज बहुत ही दिन हो गए, मतलब कि सुबह आज मैं उसके अगले दिन निकाली, क्योंकि उसके बाद मैं भूल गई थी। फिर मम्मी ने मेरे को बोला तो फ्रिज में क्या लगाया, फिर मुझे याद आया, ओ माई गॉड, आइसक्रीम लगाई थी। चलो गाइस ये तो बहुत अच्छी लग रही है यार, लगाई हुई, अभी इसको टेस्ट करेंगे हम। गाइस इसकी उकार तो बड़ी अच्छी लग रही है, अब खाने में पता नहीं कैसी होगी, चलो टेस्ट करते हैं।
तो सबसे पहले मैं मम्मा को टेस्ट करवाऊंगी, देखते हैं कि कैसी बनी है। आइसक्रीम है इसलिए थोड़ी है। अब ये ऐसे ही निकलेगी यार, मैं क्या करूँ। मैंने वो नहीं लगाई थी, स्पून नहीं लगाया, कोई लकड़ी वगैरह नहीं लगाई जिससे मैं निकाल सकती। अब इतनी सी टेस्ट करवाएंगे मम्मा को। आदमी सच्ची टेस्टी है किन्नी, बहुत ज़्यादा। तो गाइस मैंने टेस्ट की यार, ये सच्ची में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। मैंने पहले सोचा क्या पता मम्मा ने मेरे लिए बोला हो कि नहीं तन्नू अच्छी है, कहीं ब्लॉग में गलत नहीं हो जाए, पर नहीं गाइस, इस रियलिटी है, ये रियलिटी है कि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी हुई है। चलो मैं इसको फिनिश कर लेती हूँ, फिर इसके बाद आपसे मिलते हैं। आपने तो देख ही लिया होगा कि इसकी जो शक्ल थी वही कितनी अच्छी था, सोचो खाने में टेस्टी होगी। तो चलो मिलते हैं आपसे बाद में, बाय बाय। आपको एक चीज़ बताना तो भूल ही गई, वो चीज़ ये है कि जब तक आपकी ये आइस नहीं बन जाती अच्छे से, तब तक आप इसे नहीं खाना, तब तक इतना आपको पता ही होगा। और एक और चीज़ बताना भूल गई, आपने कल तो देखा ही होगा ना, वाह यार, एक मिनट, ये थी सामने से और बैक साइड देखोगे ना आप, यार क्या आइसक्रीम लगाई है तन्नू तूने। यहाँ पे सिर्फ चॉकलेट और जो मैंने बर्फी लगाई थी ना, ये मैंने टेस्ट की मम्मा को ही करवाई, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। कसम से कह रही हूँ, सही में कह रही हूँ, मैं पहली बार मुझे अपने हाथ की पहले ही लगाती थी, पर वो नहीं, ये बहुत ज़्यादा कहते हैं जिसको, बहुत टेस्टी हुई है। इसमें एक दो की कमी रह गई है, वो नेक्स्ट टाइम देखेंगे, पर अभी मैं इसको इंजॉय करती हूँ। बाय बाय गाइस, इतना ही कहूँगी, बहुत टेस्टी है।